हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ प्रिपरेशन डेज। और आज के इस खास वीडियो में हम जानने वाले हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में आप एज एन एमटीएस में सेलेक्ट होने के बाद आपकी लाइफ कैसी होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो का खास बात अगेन मैं बताता चलूं कि मैं अपने 10 सालों का एक्सपीरियंस इस वीडियो में डालने वाला हूं। अब एज ए एमटीएस क्या अंदर होता है, जो मेरे दूसरे सबॉर्डिनेट्स थे एज एन एमटीएस जो उन्होंने काम किया है, उनकी लाइफ को मैंने बड़ा करीब से देखा है और उस 10 सालों का एक्सपीरियंस, कहीं कोई किताबी ज्ञान नहीं, अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो में डालने वाला हूं। तो इस वीडियो में डिटेल से हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं सिलेक्शन के बाद, कहां पे आपने अपना ध्यान रखना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, क्या पॉजिटिव होने वाला है, क्या नेगेटिव होने वाला है। तो डिटेल से इस वीडियो को बात करते चलेंगे और उसमें आगे आने से पहले एक मेरा ब्रीफ प्रोफाइल। दोस्तों, मेरा नाम संजीव रंजन है एंड आई हैव बीन सिलेक्टेड इन CHSL 2012। मेरी ज्वाइनिंग नवंबर 2013 की थी। तो अभी आप नवंबर 2013 से लेकर 2023, तो मोर देन 10 इयर्स का एक्सपीरियंस इस वीडियो में आप देखने वाले हो। तो दोस्तों, मैं बताता चलूं कि उसके बाद मैंने SSC ग्रेजुएट लेवल FCI भी क्वालिफाई किया और उसके बाद KVS AIR 32, उसमें भी सिलेक्ट हुआ था 2017 में। एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में 6 सालों का एक्सपीरियंस, 4 सालों का एक्सपीरियंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी रिक्रूटमेंट सेल में भी कई साल काम किया मैंने। तो स्क्रूटनी वगैरह, डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी कैसी होती है, तो ये बड़ा करीब से मैंने देखा है। तो इसलिए मैं अपने आप को इस लायक समझता हूँ कि मैं आपको कुछ दे सकूँ। तो ये वीडियो प्योर 10 सालों का एक्सपीरियंस कुछ मिनटों में आपको मिलने वाला है। तो बिना समय गंवाए आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्या है टेबल ऑफ कंटेंट? टेबल ऑफ कंटेंट ये है कि बिगेस्ट चेंज क्या है, आप बिगेस्ट चेंज क्या फेस करने जा रहे हो आफ्टर योर फाइनल सिलेक्शन। उसके बाद बेस्ट पार्ट क्या है, सिलेक्शन होने के बाद जब आप ज्वाइन कर रहे हो तो उसका बेस्ट पार्ट क्या है, वो उसमें हम डिटेल से चर्चा करने वाले। वर्स्ट पार्ट, खराब क्या है, हर सिक्के का दो पहलू, अच्छा बुरा, बुरा क्या है, अच्छा भी डिस्कस करेंगे, बुरा भी डिस्कस करेंगे। आपके करियर का मामला है तो आपका दोनों पहलू जानना, समझना, तौलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद एडवाइस क्या है, मेरा सलाह जरूर दोस्तों, अगर आपको आगे तरक्की करना है तो उस इंसान से सलाह लीजिए जो उसी ऑलरेडी फील्ड में काम कर रहा है, वो भी 10 सालों से। तो अगर मुझे आप इस लायक समझते हैं तो आप थोड़ा बहुत एडवाइस ले सकते हैं, किस चीज़ पे फोकस करना है, किस पे फोकस नहीं करना है। तो ये भी चीज़ें मैं आपको बताता चलूँगा इसी वीडियो में, तो बने रहिए। तो ये चीज़ें जो है एडवाइस फ्रॉम माय साइड, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट, मैंने अपने चीज़ों का निचोड़ डाला है बिना किसी कहीं सुनी बातें, बिना कहीं किताबी ज्ञान के। तो दोस्तों, बिगेस्ट चेंज, अगर आप सेलेक्ट हो रहे हो तो बिगेस्ट चेंज आपको आइडेंटिटी मिलती है एक अपने सोसाइटी में, जहाँ पे आपको एक अपनी पहचान मिल रही है, आपके माता पिता को पहचान मिल रही है। दोस्तों, मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि बड़े ऐसे सोसाइटी, ऐसे बैकग्राउंड के साथ आ रहे हैं जिनके लिए सरकारी नौकरी का मतलब बहुत बड़ा चीज होता है, जो कि ऑलरेडी है भी, लेकिन मैं उनको बताता चलूं कि आप यहाँ पे सोसाइटी में आपको एक आइडेंटिटी मिलने वाला है, पहचान मिलने वाला है। अभी तक जिन गलियों में आप घूम रहे थे बिना किसी नाम के, अब वहाँ पे अब आप लोग को आपको जानने वाले हैं। उसके बाद कुछ कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ इनकम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद कॉन्फिडेंस, दोस्तों आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होने वाला है। आपने 30-35 लाख बच्चों को पीछे छोड़कर यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन लिया है, तो उस पर भी डिस्कस करने वाले हैं। रिलेशनशिप्स, दोस्तों अब आपके लिए बहुत सारे रिलेशनशिप ऑफर्स आने वाले हैं, तो उसके लिए भी हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो पहला जो सबसे अच्छी फीलिंग मुझे लगी जब मेरा सिलेक्शन हुआ था दोस्तों CHSL के द्वारा 2012 में, तो मुझे सबसे अच्छी फीलिंग लगी कि एक कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ इनकम है। अब जो हमारा बैकग्राउंड होता है, जो यूजुअली सरकारी नौकरी वालों का बैकग्राउंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाला होता है, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अब आपके पास एक थोड़ा सा सिक्योर फीलिंग आती है दो चीज़ों की, फाइनेंशियल सिक्योरिटी एज वेल एज जॉब सिक्योरिटी इन गवर्नमेंट सर्विसेज। तो जब आपको लगता है जब आप ज्वाइन करोगे तो आपका जो बेसिक पे होने वाला है, वो बेसिक पे होने वाला है दोस्तों एमटीएस में दिल्ली जैसे शहर में 18,000 के आसपास बेसिक पे। उसके बाद जो डीए होता है दोस्तों, अभी 46% के हिसाब से लगभग मान कर चलिए इसका आधा ही होगा, तो आधा के आसपास 9,000, अब 46% है तो 8,500 के आसपास का होगा, ये मेरा कैलकुलेशन
एक्यूरेट नहीं होगा, आप अपना जरूर कैलकुलेटर से एक्यूरेटली ये कैलकुलेट कीजिएगा। उसके बाद आपको HRA 27% दिल्ली जैसे शहर में, तो इसका 27% कितना होगा, 30% इसका कितना होगा, लगभग 5000 के आसपास, 5000 के आसपास आप मानकर चलिए, 27% 18000 का, 5000 के आसपास। उसके बाद TPT ट्रांसपोर्ट अलाउंस आप मानकर चलिए कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है 2600 प्लस DA, तो DA 46% ऑफ 3600, इन दोनों को जोड़कर, तो जो भी प्लस आएगा अमाउंट, वो अमाउंट यहाँ पे आपने भर लेना है। इसमें से एक चीज़ डिडक्ट हो जाता है, वो होता है NPS, जो आपका बेसिक पे है प्लस DA है, बेसिक प्लस DA, यानी कि 18000 प्लस 46% ऑफ 18000 का जो भी आया, उसका 10% आपको माइनस करवाना देना होता है NPS के रूप में, आपके पेंशन के रूप में गवर्नमेंट काटती है, तो ये माइनस करके अपना जो एग्जैक्ट सैलरी है वो आप निकाल लीजिएगा, तो ये आपको सैलरी मिलने वाली है। अब इससे कि आप अपने कुछ पेरेंट्स को भेज सकते हैं और अपने कुछ सेविंग्स कर सकते हैं और आप अपना एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं, अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ फीलिंग बड़ी अच्छी आती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी एज वेल एज, जो मैंने कि मेंशन नहीं किया है, जॉब सिक्योरिटी, ये फीलिंग बड़ी अच्छी होती है। और इस चीज़ का मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि आपने ये चीज़ अपने आप को तोहफा दिया है, जी हाँ, इतने मेहनत और ये करने के बाद। उसके बाद दोस्तों दूसरा बेस्ट फीलिंग ये होता है कि मैं जो यहाँ पे हूँ, कल को जब आपकी पोस्टिंग दिल्ली जैसे शहरों में होती है, अभी मैं दिल्ली को फोकस कर रहा हूँ, आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, दिल्ली पे बात करते हैं, दिल्ली जैसे पोस्टिंग होती है, तो आपको ये फील आता है कि लाखों बच्चे जो अभी गाँव किसी इसमें फाइट कर रहे हैं, आप एटलीस्ट एक कदम उनसे आगे बढ़ गए, अब आप एक सिक्योर जॉब में आ गए और अब आप निश्चिंत होकर आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं, फ्यूचर की तरफ आप आगे, शानदार आपने शुरुआत किया है, ये फीलिंग जरूर आती है। और दोस्तों और आनी भी चाहिए, क्योंकि आपके मेहनत का फल आपको मिल गया है, तो जो कॉन्फिडेंस है, अब कई लाख जैसे 30 लाख 40 लाख बच्चे इनमें फॉर्म्स आ रहे हैं इन एग्ज़ाम्स में, अब 30 40 लाख में जब आप भी एग्ज़ाम सेंटर पर गए होंगे और उस भीड़ में आपका भी मन घबराया होगा कि पता नहीं मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, और उसके बाद आप फाइनल सिलेक्शन के बाद आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो दोस्तों काबिले तारीफ है, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। नेक्स्ट जो चलते हैं दोस्तों वो है Things you get to see at place of posting, ये बड़ी शानदार चीज़ है दोस्तों, नई चीज़ों, अब आपने एक किसी डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया है, नाउ अब आप प्रोटोकॉल को देखेंगे, सरकारी काम को देखेंगे, तमाम सीनियर्स को देखेंगे, हायर अथॉरिटीज़ को देखेंगे, नए प्लेस ऑफ पोस्टिंग को देखने वाले हैं, कल को आपकी पोस्टिंग साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक में होती है तो वहाँ पे देखेंगे कि काम कैसे होता है। आपने सामने अगर किसी डिफेंस ऑफिस में जाते हैं तो अपने सामने आप देखेंगे कि आर्मी का जनरल आ रहा है जिसके बारे में आपने टीवी में देखा था, तो किसी ऐसे मिनिस्टर को देखेंगे जिसके बारे में आपने टीवी में देखा था, सुना था, आज आपके सामने हो रहा है दोस्तों। तो ये चीज़, ये फीलिंग, ये बहुत शानदार फीलिंग है, ये जो नयापन है ये बड़ी शानदार है, आपका लाइफ यहाँ पे एक बिल्कुल ही अलग मोड़ लेकर आपको ये चीज़ें देने वाला है दोस्तों। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही बेस्ट पार्ट में लगता है, न्यू कल्चर आपको देखने को मिलेगा, न्यू जैसे ऑफिस कल्चर हो गया, ऑफिस कल्चर के बाद न्यू पीपल आपको, जैसे बहुत सारे आपके फ्रेंड हो सकते हैं कि आप नॉर्थ इंडिया से हो तो आपका फ्रेंड नॉर्थ ईस्ट से हो, बहुत सारा फ्रेंड आपका साउथ से हो, बहुत सारा फ्रेंड अलग अलग पार्ट से हो, तो ये चीज़ आपको देखने को समझने को मौका मिलता है। मुझे याद है कि जब मुझे पहली बार CSD कार्ड मिला था, कैंटीन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कैंटीन कार्ड, और अब आप CSD कार्ड लेकर जाते हो और उस कार्ड से आपकी अपने लिए या अपने फैमिली के लिए ख़रीदारी करते हो, काफ़ी कम रेट पे वो मिलता है, तो वो फीलिंग भी बड़ी अच्छी होती है, अच्छा लगता है। इवन मैंने कई अपने दोस्तों को देखा है कि वो अपना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाला कार्ड जो है वो टोल पे यूज़ करते हैं, अपना टोल माफ़ करवाते हैं, तो ये फीलिंग भी बड़ी अच्छी होती है। तो ये चीज़ आपको एक, इसके लिए आपने मेहनत किया है, डिजर्व करते हो आप, और इस चीज़ का कोई जोड़ नहीं है,
ये चीज आपने कहीं से उधार नहीं लिया है, अपने दम पे, अपने कर्म के दम पे आपको ये फल मिला है ना। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता बाप दादाओं की संपत्ति को वो आगे फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन आपने यहां से शुरुआत किया अपने दम पे, तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। खैर, तो ये नया चीज है ये सब चीज, तो ये कुछ बेहद शानदार चीजों में से है जो कि आपको देखने को मिलता है, समझने को मिलता है। अब वर्स्ट पार्ट भी है, लेकिन बेस्ट पार्ट में अगेन डिफरेंट बैकग्राउंड दोस्तों, ये भी फीलिंग बड़ी अच्छी आती है कि आप जो अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं, वो चीज़ आपके दोस्त या आपके कॉमन ग्रुप में होता है, एक नया ही बातचीत का कल्चर स्टार्ट होता है, तो अगेन बड़ी अच्छा, बड़ा बहुत ही अच्छा पार्ट होता है। तो वर्स्ट पार्ट दोस्तों, प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होता है वहाँ पे। प्रोबेशन पीरियड के दौरान जब आपका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट का जब ऑफर लेटर वगैरह आता है, तो उस पर साफ साफ लिखा होता है कि आप 2 साल के लिए प्रोबेशन पे रखे जाएंगे और 2 साल के बाद आपको कभी भी निकाला जा सकता है, सॉरी 2 साल के अंदर कभी भी विदाउट इवन नोटिस आपको निकाला जा सकता है। अगर गवर्नमेंट को ये लगता है, आपके हायर अथॉरिटीज़ को लगता है कि आप इनडिसिप्लिन्ड हैं, आप करप्ट हैं, तो आपको निकाला जा सकता है। तो 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, अगर आप इसी चकाचौंध में रह गए तो अंधेरी रात निश्चित है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, 10 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और यहाँ पे कोई वो बातें नहीं मैं बताने वाला हूँ जो आपको खुश कर सके। जो खुश करने वाली बातें थी वो मैंने आपको बता दी, अब आपको सतर्क करना भी मेरा काम है। बींग सीनियर, आप मुझे अपना बड़ा भाई छोटा भाई जो मानना है मानिए, वो मेरा काम है कि आपको मैं सतर्क करूं ताकि आप उस चीज़ में ना फंसें। आगे आने वाले स्लाइड्स में मैंने डिस्कस किया है डिटेल से। तो वो 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, तो कई बार ये सब चीज़ देखने समझने के बाद, नया नया आइडेंटिटी मिलने के बाद, पैसा आने के बाद, CSD कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, यहाँ से दोस्त, वहाँ से दोस्त, ये सब सब होने के बाद भी चीज़ें जब सेटल डाउन होती है तो फिर आप फील करते हो कि आप कई बार ट्रैप हो गए हो। कई बार वो आपका वर्क प्लेस बोरिंग फील करवाने लगता है, नई चीज़ें सीखने का मौका कम मिलने लगता है, तो आपको कई बार फील होता है कि हाँ अब कुछ चेंज चाहिए। तो खैर, लेकिन जो इसमें पॉजिटिव है ये कहीं ज़्यादा है, है ना। पॉजिटिव्स जो आपको मिल रही हैं, एटलीस्ट आपकी फैमिली सिक्योर्ड है, तो इन चीज़ों का मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि आप नए चीज़ें सीख सकते हो और ये अंदरूनी होता है दोस्तों। आप चाहते हो कि नहीं सीखना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, नहीं तो मैंने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स देखे हैं जो एक ही डिपार्टमेंट में ऐसे पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं बिना किसी टेंशन के। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना चीज़ों को सीखते हो, पॉजिटिव वे में लेते हो। जो मैंने फील किया है कि ये इन स्लाइड्स में जो मैंने फील किया है, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ कि अब ना छुट्टी, एक दिन की भी छुट्टी लेने के लिए अब आपको अप्लाई करना पड़ता है। अब जो छुट्टियों का हिसाब किताब आपको सरकारी में मिलने वाला है, वो EL होता है, CL होता है, HPL या फिर मेडिकल लीव होता है, या फिर EOL होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। EL आपको साल में 30 मिलता है, CL साल में 8 मिलता है, HPL 20 HPL या फिर 10 मेडिकल मिलता है, EOL तो अनलिमिटेड मिल सकता है। अनलिमिटेड का मतलब इसमें भी सीलिंग होता है, तो इसमें डिटेल से मैं नहीं जाऊंगा। खैर, अर्नड लीव ये साल में 30 मिलने वाला है, अर्जित अवकाश ये 1 जनवरी और 1 जुलाई को आपके सर्विस बुक में क्रेडिट हो जाता है ना। CL 8 एक साल में, HPL हाफ पे लीव 20 मिलता है, हाफ, ये 20 जो है ना ये आधा, तो उसका आधा का मतलब 10 फुल डे है ना, मेडिकल जैसा मैंने लिखा है 10। EOL एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, जब आपकी सारी लीव बैलेंस आपका जीरो हो जाता है तो आप विदाउट पे लीव, विदाउट पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव के नाम से जानते हैं। तो खैर, तो अगेन राइट जो है, लीव आपका राइट नहीं है दोस्तों। अगर आपको, मान लीजिए कि आपके पास लीव बैलेंस है और आपका ये हायर अथॉरिटी डिसाइड नहीं, मतलब आपको अप्रूव नहीं करता है कि आपको नहीं जाना है, और आपको, आपका इच्छा है कि मुझे जाना है, तो आप कई बार फील करते हो कि यू आर ट्रैप्ड, है ना। तो ये चीज़, आपका जो लीव है उसका राइट आपका नहीं है, ये आपका CCS
कंडक्ट रूल्स में लिखा है कि छुट्टियां आपकी आपका राइट नहीं है, आप एज अ राइट क्लेम नहीं कर सकते हो, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा दुख दे सकता है। उसके बाद देखना है कि आप ना बीइंग एन एमटीएस, आप अपने डिपार्टमेंट में जूनियर मोस्ट हो, आप हायरार्की में सबसे निचले पायदान पे हो और आपसे सभी सीनियर ही हैं। अब आपसे जो एमटीएस पे आप अगर लगे हो तो आपसे सीनियर एलडीसी, उससे सीनियर यूडीसी, इससे सीनियर असिस्टेंट, इससे सीनियर एएसओ, इससे सीनियर अब कुछ भी आप मान लो एसओ भी होते हैं, इससे सीनियर अंडर सेक्रेटरी। तो ये लूप है, लूप में आप यहाँ पे बैठे हो। अब आप यहाँ पे बैठे हो तो आपको लगता है कि सबसे लोवेस्ट पायदान पे मैं हूँ। अगर आप सतर्क नहीं हो, डे वन से सतर्क नहीं हो, तो आप इस पायदान पे अपने आप को दुखी करने वाले हो दोस्तों। तो डे वन से आपको सतर्क रहना है कि हाँ, मुझे यहाँ पे तो मेरी शुरुआत है, अंत यहाँ पे नहीं होगा। या वो एक कहावत भी है ना कि ये मैटर नहीं करता है कि आपने शुरुआत कहाँ से की, मैटर ये करता है कि आपने अंत कहाँ किया। शुरुआत बहुत सारे मैंने देखा है दोस्तों को, जो कि अकाउंट्स ऑफिस में खासकर देखा है, सीजीडीए हो गया, पीसीडीए वगैरह में, कि एमटीए से बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं वो अभी डबल एओ पे काम कर रहे हैं, डबल एओ पे, ये एसओ एसओ के रैंक पे हैं, एसओ या उससे भी हायर रैंक पे हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप शुरुआत बहुत छोटी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन अंत शानदार होना चाहिए दोस्तों, है ना। तो ये चीज़ अगर यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी सी दुख दे, तो अगर आप सेंसिटिव हो तो दुख दे सकता है कि आप जूनियर मोस्ट पायदान पे पड़े हुए हो। तो ये चीज़ थोड़ा सा एक एडवाइस दोस्तों। बहुत सारे मैंने ऐसे फ्रेंड्स को देखा है, वो सेटिस्फाई हो जाते हैं अपने करंट जॉब प्रोफाइल से, और ये जो परसेंटेज है 90% से भी ज़्यादा है, सेटिस्फाई हो जाते हैं वो। अगर किसी ने एएसओ में ज्वाइन किया और वो सेटिस्फाई हो जाता है तब तो फिर भी चलेगा, लेकिन अगर आपने एमटीएस में ज्वाइन किया और आप सेटिस्फाई हो जाए तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। एमटीएस में ज्वाइन तो कर लिया, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन यहाँ पर नहीं रहना है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये चीज़ दुखदाई होगा, दो साल तीन साल अच्छा लगेगा, तीसरे साल के बाद अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने ये चीज़ बहुत ही ध्यान से अपने आप को चुनना है, क्योंकि बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट क्या है कि अब आप पहले की तरफ पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि ऑफिस भी जाना है, डिस्ट्रैक्शन भी है, पैसा भी आ रहा है, नए नए रिलेशनशिप्स भी होने वाले हैं। तो पहले की तरह कई बार लोग डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं और फिर लास्ट में अपने आप मन को समझा लेते हैं कि जितना प्रभु ने दिया है उतना ही सही है। तो ये चीज़ अगर आपके अंदर आ रही है तो गलत कर आ रही है, आपके अंदर ये चीज़ फीलिंग नहीं आनी चाहिए, अपने आप को संभाल कर। नेक्स्ट, फाइनेंशियल मिस्टेक्स दोस्तों। डे वन से आपने सेविंग्स स्टार्ट करना है, डे वन से। आपके पास अगर मान लीजिए कि 25,000 रुपये भी आ रहे हैं, 25,000 में अगर आप 3,000 तो बचाएं पर मंथ, 5,000 तो बचाइए कम से कम। अब 5,000 क्यों बचाना है? क्योंकि जब आप जॉब में हो और आप अपना सेकंड इनिंग, जो नेक्स्ट स्लाइड में यही है दोस्तों, सेकंड इनिंग। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो गवर्नमेंट जॉब से निकलकर बिजनेस में आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं कि जो कि कुछ और करना चाह रहे हैं बट वो कर नहीं पाते हैं फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स की वजह से, फाइनेंशियल पैसा ही नहीं है, उन्होंने सेविंग्स ही नहीं की है। तो डे वन से आपने कोई ना कोई आरडी या फिर एसआईपी ये करना ही करना है। आरडी या फिर एसआईपी कीजिए, 1,000 रुपये का कीजिए, लेकिन ज़रूर करना है, क्योंकि ये आपको मौका देगा आपको मजबूत बनाने का। कल को आपने बिजनेस नहीं भी करना हुआ, चलो छोड़ो अब मुझे बिजनेस नहीं करना है, मुझे जॉब सिक्योर चाहिए, तो भी अभी आपका चूँकि जॉब स्टार्ट हुआ है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है। अगर आप 25,000 कमा रहे हैं तो 15,000 बचा भी सकते हैं, ये तो मैंने मिनिमम बताया है। आप 10,000 में सिंगल कहीं बेड कोई पीजी वगैरह लेकर आप उसमें काम चला सकते हैं अपना, लेकिन अगर आप इतना बचाने में कामयाब हो गए और अगर आप 21 साल में गए हैं 21 ईयर, और मान लीजिए आपकी शादी 27 में हो रही है तो आपके पास 6 साल है, अगर 15,000 आपने 6 साल बचाया है तो आप देखिए कि कितना आप बचा पा रहे हैं। 15 गुने 12
महीने का 1,80,000 आप साल का गुने 6, अब इसको आप जोड़िए कि कितना आप बचा पा रहे हैं। तो दोस्तों आपके पास अगर एक मुश्त इतना पैसा है तो ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करने वाला है। शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने के बाद आप इतना नहीं कर पाएंगे, अभी मौका है। सेकेंड इनिंग की बात करें तो दोस्तों अगर कल को डे वन से ही अपने आप को प्रिपेयर कीजिए सेकेंड इनिंग के लिए। अब आप चूंकि गवर्नमेंट सर्विसेज में आ चुके हो तो अब आपके पास बहुत सारे ऐसे ज्ञान है जो कि दूसरों को आप दे सकते हो, YouTube के माध्यम से आप दे सकते हो, तो वो डे वन से ही स्टार्ट कीजिए। अपना एक्सपीरियंस बताइए लोगों को ताकि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आप अपने लिए क्रिएट कर सको। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिले, नहीं, वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको क्रिएट करनी पड़ेंगी, है ना। तो अगर वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते हो तो आप YouTube के माध्यम से बहुत लोगों का भला तो कर पा रहे हो, है ना। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है डे वन से। ये मेरा एडवाइस है दोस्तों, 10 सालों का एक्सपीरियंस, मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ 10 सालों का एक्सपीरियंस, क्योंकि ये चीज़ इनवैल्यूएबल है ना। किसी का आप 10 सालों का कितना संघर्ष कुछ मिनटों की वीडियो में मिल रहा है ना, तो ये कितना इनवैल्यूएबल है अनुभव किसी का, इसकी कोई कीमत नहीं है दोस्तों। तो फाइनली मैं बताना चाहूँगा कि इन मिस्टेक्स को अवॉइड करके आप अपने आप को बहुत सारी चीज़ों से बचा पाओगे, बहुत सारे गलतियों से अपने आप को ऊपर उठा पाओगे। डे वन से ही अगर आप लग गए फर्दर आगे बढ़ने के लिए, अगर आप सेटिस्फाई फील नहीं कर पा रहे हो तो वो चीज़ हेल्प करने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए। अपने दोस्तों से जिन्होंने फाइनल एग्ज़ाम पास कर लिया है या पास कर चुके हैं, पास तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे ज़रूर शेयर करें। ये एडवाइस बहुत लोगों की हेल्प करने वाले हैं। धन्यवाद, लाइक करना ज़रूर, आप ज़रूर इसको लाइक करें। धन्यवाद।